गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैसेल्फ जीवन लाल, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर। आज 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं और यूनिट का नाम है कोल्ड वार इरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इस यूनिट की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज कोल्ड वार। द टर्म कोल्ड वार वाज यूज्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बर्नार्ड ब्राउच एन अमेरिकन स्टेटमेंट, बट प्रोफेसर लिपमैन पॉपुलराइज्ड दिस टर्म। सबसे पहले जो कोल्ड वार की जो टर्म दी गई थी वो जो सबसे पहले कोल्ड वार की टर्म जिसने दी वो अमेरिका के एक स्टेटमैन थे जिसका नाम था बर्नार्ड ब्राउच। और इस टर्म को बाद में प्रोफेसर लिपमैन ने पॉपुलराइज्ड किया, उसको मशहूर किया। ठीक है, और जो ये कोल्ड वार की टर्म जो थी एक्चुअली आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने दो बड़ी ताकतें उभर के आई थी, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। लेकिन ये दोनों ताकतें ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो गई कि एक वार लाइक सिचुएशन बन गई। ठीक है, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म कोल्ड वार दी गई थी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि एक्चुअली द टर्म कोल्ड वार वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन अराइज्ड बिटवीन द टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर एंड देयर अलाइज विच वर नोन एज टू ब्लॉक्स, टू सुपर पावर ब्लॉक, दैट इज यूएसए ब्लॉक विच इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न ब्लॉक एंड द यूएसएसआर ब्लॉक विच इज ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न ब्लॉक। देन कोल्ड वार एंड देयर अलाइज, मोर ओवर वी कैन से दैट कोल्ड वार वॉज नॉट ए फेस टू फेस वार इन द बैटल फील्ड और ए हॉट वार बिटवीन द टू सुपर पावर्स। वॉट इट वॉज अ ब्रेन वार, नर्व वार, प्रोपोगेंडा वार, प्रॉक्सी वार, राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। कोल्ड वार जो शीतकालीन युद्ध जो हुआ था, जे कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई थी, दोनों देशों ने कभी हथियार एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए, हॉट वार में वो बदली नहीं, लेकिन जो सिचुएशन बनी उस सिचुएशन को हम क्या बोलते थे, कोल्ड वार बोलते थे। जी एक किस्म की उनमें दुश्मनी थी, राइवलरी पैदा हो गई, और साथ में क्या था, जी एक दिमाग की लड़ाई थी, सोच की लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र की लड़ाई थी, इसको हम कोल्ड वार कहते हैं। जी वर्ल्ड वार सेकंड के एंड होने के बाद 1945 से स्टार्ट हो गई थी और टिल 1991 तक कंटिन्यू रही, जब तक के यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। उसके बाद हेंस वी कैन से दैट एट द एंड कोल्ड वार मीन दैट पीरियड और इरा ऑफ डिस्ट्रस्ट और जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर ब्लॉक्स वॉज नोन एज कोल्ड वार। कोल्ड वार हम कह सकते हैं कि जो ये जो दौर था, ये जो इरा था, ये जो जमाना था, राइट फ्रॉम द वर्ल्ड वार सेकंड से लेके 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक, जो के एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल अफेयर्स आ गए, इकोनॉमिक अफेयर्स आ गया, मिलिट्री अफेयर्स आ गए, इस चीज को लेके जो उनके अंदर जो टेंशन बनी उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वार बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद कोल्ड वार की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकर हम आज यहाँ पे दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। नंबर एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग ने क्या कहा था, अ वार दैट इज नॉट फॉट इन द बैटल फील्ड व्हाट इन द माइंड्स ऑफ मेन वन ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ अदर्स। फ्लेमिंग ने बताया था कि कोल्ड वार ये कोई वो वार नहीं थी जो आमने सामने मैदानी जंग में लड़ी गई हो दोनों सुपर पावर्स के बीच में, बल्कि ये वो युद्ध था जिसमें एक
व्यक्ति जो होता है, एक देश जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करता है और उसको चलाता है अपने बेनिफिट के लिए। एंड सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंपली एक डेफिनेशन दी थी, उसने कहा था कोल्ड वॉर वॉज रेन वॉर, नर्व वॉर एंड प्रोपोगंडा वॉर। कोल्ड वॉर जो थी, शीतकालीन वॉर जो हुई, युद्ध जो हुआ, वो दिमागी लड़ाई थी। नर्व वॉर यानी कि सोच की लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल डिवाइड की लड़ाई थी। एंड द प्रोपेगंडा वॉर थी, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने की लड़ाई थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई थी, दैट इज कोल्ड वॉर। तो करे बच्चों, आपने थोड़ी सी कोल्ड वॉर की इंट्रोडक्शन देने देनी है एंड में एट लीस्ट टू डेफिनेशन लिख देनी है, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज आर ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर।